जय हिंद। शिखर अकेडमी के पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली करंट अफेयर अपडेट्स के लिए। ठीक, आज के टॉपिक में हम देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या फिर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023। ठीक, तो ये क्या है, ये कब जारी की गई? तो ये 20 मार्च को जारी की गई। 20 मार्च को हम मनाते हैं विश्व प्रसन्नता दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, ये हम मनाते हैं कब? 20 मार्च को। ठीक है, ये इसमें जो समय लिया गया है वो 2020 से 2022 के आधार पर जो है वो रैंकिंग जो है वो देशों को दी गई है। तो इसमें कुल कितने देश थे? तो इसमें कुल 137 देशों को जो है वो पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर फिनलैंड है, जो पिछली बार भी था। ठीक, तो पिछली बार भी फिनलैंड था और इस बार भी फिनलैंड है। सबसे दुखी जो देश है वो कौन सा है? वो अफगानिस्तान है। ठीक, भारत की स्थिति इसमें क्या है? 126, कितने में? 137 देश में। ठीक है, तो काफी ज्यादा दुखी है हम लोग। तो ठीक है, पिछली बार जो थी वो 136 थी, तो पहले हम ज्यादा दुखी थे, अब कम दुखी हैं। ठीक है, तो या फिर क्या, थोड़ा थोड़ा खुश हैं। तो उसके बाद क्या है कि रिपोर्ट जो है वो इसका 11वां संस्करण है, और ये पहली बार कब जारी की गई थी? तो 2012 में पहली बार ये जारी की गई थी। तो इसमें इस बार कुल कितने देश शामिल किए गए हैं? 137 देश। तो अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं, तो चीन जो है उसका रैंकिंग जो है वो 64 है, नेपाल की 78 है, पाकिस्तान जहाँ पे आटे के लिए मार हो रही है, बिजली आ नहीं रही है, तेल मिल नहीं रहा है इनको, लेकिन ये खुश बहुत ज्यादा हैं हमसे ज्यादा। इनकी रैंकिंग कितनी है? 108। ठीक, तो ये थोड़ा सोचने वाला विषय है कि हम इतने दुखी क्यों हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका का स्थान है 112, यहाँ भी ये भी हमसे आगे, क्यों? तो पता नहीं, साहब हैं तो मुमकिन है। ठीक, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बांग्लादेश 118, तो हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वो हमसे आगे हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? अफगानिस्तान को। ठीक, तो खुश रहिए, देश की रैंकिंग बढ़ाइए। इसका प्रकाशन कौन करता है? तो प्रकाशन करता है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एक कंपनी है। ठीक, या फिर संस्था है, आप जो कहना चाहिए कह सकते हैं। तो ये इसका क्या है, प्रकाशन करती है। ठीक है, इसमें जो मानक रहते हैं, व्यक्ति की आय, स्वास्थ्य, पसंद की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार। अब स्वतंत्रता के मामले में 19 अनुच्छेद 19 से हमको मौलिक अधिकार तक प्राप्त है प्रसन्न रहने का, लेकिन हम नहीं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।